नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पराली जलाने के मामले में प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आजमगढ़ में पराली जलाने के मामले में किसानों के खिलाफ अलग अलग थानों में 14 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उप जिला अधिकारी सदर गौरव ने बताया है कि पराली जलाए जाना व कोई कृषि अवशेष जलाए जाना शासन के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान है। 25,000 और उससे अधिक के जुर्माने का प्रावधान है। सैटेलाइट से निगरानी की जा रही है। लखनऊ से यह पता चलता है कि किस जनपद में किस जगह पराली जलाई जा रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पराली जलाने नियंत्रण के लिए सभी तहसीलों में कृषि मित्र, लेखपाल, ग्राम प्रधान व अन्य लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि विदित है कि माननीय न्यायालय और एनजीटी के आदेशों के अनुसार पराली जलाया जाना या फिर किसी भी तरह का कृषि अवशेष जलाया जाना जो है उसमें जुर्माने की भी कार्रवाई का प्रावधान कर दिया गया है। और एनजीटी एक्ट की धारा 24 से लेकर 26 में जो है जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें 2500, 5000 और उससे अधिक जुर्माने तक का प्रावधान है। तो ऐसे में ही जो प्रकरण सामने आए हैं पूरे जनपद में विभिन्न तहसीलों में, वहाँ पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। जी देखिए, डेली जो है सैटेलाइट से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है पूरे प्रदेश की, उसमें किस जनपद में कहां पर बिल्कुल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ लोकेशन आती है कि कहां पर कृषि अवशेष या पराली जलाए जाने की सूचना है और तत्काल उसके क्रम में कार्रवाई की जाती है। देखिए, इसमें प्रभावी कार्रवाई करे जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में बिंदुओं पर समीक्षा की गई थी। उसमें बताया गया था कि कैसे हमें इस पर प्रभावी नियंत्रण करना है। इसके लिए पूरी तहसील को जो है जोन्स में बांट दिया गया है और प्रत्येक जोन में जो है सहायक विकास अधिकारी जो एग्रीकल्चर के हैं उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनके अंडर जो है कृषि मित्र और लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान, इन सभी को लिखित में जिम्मेदारी दी गई है कि अब उनके क्षेत्र अंतर्गत किसी भी तरह की पराली या कृषि अवशेष जलाने की घटना सामने ना आए। वो लोगों को मोटिवेट करें कि पराली ना जलाएं बल्कि उसे इकट्ठा करें, ताकि उसका इकट्ठा करके जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके लिए वो गौशालाओं में काम आएगी पराली। इसके लिए लगातार ग्राम में चौपालें की जा रही हैं, प्रधान बैठक करा रहे हैं ताकि इसकी जागरूकता कराई जा सके। फिर भी यदि कोई मामला सामने आता है तो उसमें तत्काल लेखपाल द्वारा FIR कराई जाती है और जितने क्षेत्र में पराली जलाई गई है उस क्षेत्र के हिसाब से उस पर 2500, 5000 या उससे अधिक का जुर्माना वसूल किया जाता है।